गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, चाय नाश्ते से अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, अपने समर्थकों के साथ भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास से मिलकर लौटे हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या टास्क दिया है आपको? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर, और मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके खाते में एक पैसा नहीं, जो मिलता है वो बेटे और बेटियों में खर्च करते, और जिनको अपनी कोई संपत्ति नहीं, एक प्लाट भी मिला था वो भी एक एनजीओ के साथ जोड़ दिया, तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने सुना है कि 100 दिन का टास्क दिया है कि पहले 100 दिन में आप लोगों को कुछ करना है बेहतर। अरे वो करते रहते हैं, आप दिया नहीं है वो उनका कंटिन्यूअस चलते रहता है, वो तो 2047 का सपना संजो करके कर रहे हैं, इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेना। इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें आपको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्यकाल हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे? इसमें कोई आपको गलतफहमी लग रहा है, प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए सोचा है उसको उन ऊंचाइयों पर ले जाना उनके सारे सहयोगियों का कर्तव्य होगा। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, चाय नाश्ते से अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, अपने समर्थकों के साथ भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से मिलकर लौटे हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या टास्क दिया है आपको? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर, और मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके खाते में एक पैसा नहीं, जो मिलता है वो बेटे और बेटियों में खर्च करते, और जिनको अपनी कोई संपत्ति नहीं, एक प्लाट भी मिला था वो भी एक एनजीओ के साथ जोड़ दिया, तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने सुना है कि 100 दिन का टास्क दिया है कि पहले 100 दिन में आप लोगों को कुछ करना है बेहतर। अरे वो करते रहते हैं, आप दिया नहीं है वो उनका कंटिन्यूअस चलते रहता है, वो तो 2047 का सपना संजो करके कर रहे हैं, इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेना। इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें आपको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्यकाल हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे? इसमें कोई आपको गलतफहमी लग रहा है, प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए सोचा है उसको उन ऊंचाइयों पर ले जाना उनके सारे सहयोगियों का कर्तव्य होगा।